हिमाचल प्रदेश के शिमला में भूस्खलन की चपेट में आकर नेपाली दंपति की मौत हो गई, जबकि यहां के एक गांव में अचानक आई बाढ़ में एक ढाबा बह गया, जिसमें एक बुजुर्ग दंपति और उनकी पोती की मौत होने की आशंका है। यहां भारी बारिश के कारण कोटखाई के कलाला गांव में भूस्खलन चलते दंपति भीम बहादुर और उनकी पत्नी शीला का अस्थायी घर ढह गया, जिससे दोनों की मौत हो गई। अधिकारियों ने बताया कि दंपति नेपाली थे और कलाला में मजदूरी करते थे। उन्होंने बताया कि इसके अलावा रोहड़ू क्षेत्र के बदियारा गांव में अचानक आई बाढ़ में एक ढाबा बह गया, जिसमें एक बुजुर्ग दंपति और उनकी पोती की मौत होने की आशंका। उन्होंने बताया तीनों का पता लगाने के लिए बचाव कार्य जारी है, जहां बरसाती नाले में अचानक बाढ़ आ गई थी। अधिकारियों ने बताया कि रोशनलाल और उनकी पत्नी भागा देवी गांव में एक ढाबा चलाते थे और उनका पोता कार्तिक उनसे मिलने आया था। उन्होंने बताया कि अचानक आई बाढ़ के बाद रोहड़ी में कई घरों और वाहनों के क्षतिग्रस्त होने की सूचना है। इस बीच पुलिस ने कहा कि पंजाब रोडवेज बस का मलबा शनिवार को मनाली में ब्यास नदी के बीच में पाया गया। बस की पहचान करने वाले पंजाब रोडवेज के अधिकारियों ने कहा कि इसने 9 जुलाई को चंडीगढ़ के सेक्टर 34 में अपनी यात्रा शुरू की थी और 10 जुलाई को मनाली के पास बाढ़ में बह गई। पुलिस ने कहा कि अभी तक इसकी पुष्टि नहीं हुई कि घटना के दौरान बस में यात्री थे या नहीं। बस चालक और कंडक्टर के शव पहले ही बरामद कर लिए गए थे। महाराष्ट्र के रायगढ़ में जमीन